यहाँ पर टाइम डोमेन आ जाएगा, ठीक है, समझ जाना कि मैं यहाँ पर यूज़ करके उसको किस डोमेन में बनाना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन, बस इतना याद रखना, ठीक है। और लाप्लास का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक टाइप का इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इंटरगल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अगर लाप्लास को अगर हम इंटरगल ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी जान लो आप, ठीक है। अब इंटरगल ट्रांसफॉर्मेशन देखो, नाम से पता चला है कि इंटरगल का एक नया ट्रांसफॉर्मर बनाया गया है, बस इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब तो इजी लग रहा है, ठीक है। इसका मोस्टली यूज हम लोग कहाँ करेंगे, इसका मोस्टली यूज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। एक्चुअली में ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड होता है, ये बोल सकते हो कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट मेथड क्या है, तो लाप्लास ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ लिया है, अब इसी को सॉल्व करने का नया मेथड आने वाला है, लाप्लास एंड फोरियर, ठीक है। तो लाप्लास क्या होता है, लाप्लास के यानी एक्चुअली में क्या होता है, इंटरगल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज ऐसा नोटेशन के तरीके से करते हैं, लाप्लास, ठीक है। एक पियर लाप्लास नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये पढ़ा था लाप्लास, राइट, उन्होंने इसकी इनके नाम पर ये पढ़ा था लाप्लास, और फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं एफ टी, ठीक है। किसी हमारा जो हमारा एफ टी फंक्शन यानी टाइम डोमेन का जो फंक्शन होता है उसका अगर हम लाप्लास लेते हैं तो मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन आ जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि ये होता है कि जीरो से इन्फिनिटी एक पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये मेरा होता है फार्मूला। ये जनरल नोटेशन है, ज़्यादा डीप मत जाओ, कर्नल के बारे में मत जानो, इतना तो समझ सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाप्लास। या फिर कोई तुमसे पूछे लाप्लास के लिए कर्नल क्या होता है, तो लाप्लास के लिए कर्नल क्या होता है, तो ऐसा हो सकता है, इसको पी लिखा तो यहाँ पी लिख दो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पी टी, और यहाँ पे हो सकता है ए की पावर माइनस पी टी, और ये इफ टी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, और यहाँ होता है जीरो इफ टी इज लेस देन जीरो। अब तो समझ में आ गया, डाउट है तो यही है आपका लाप्लास। लाप्लास में याद रखना कि टी जब मेरा जीरो से छोटा होता है, इस केस में इसकी कर्नल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये बात याद रखना। तो लाप्लास केवल कितने में डिफाइन करता है, जब टी ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, जीरो। ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब टी मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होता है तभी ये मेरा डिफाइन हो पाता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जीरो से कहाँ तक जा रहा है मुझे पता है, टी कहाँ तक जा रहा है नहीं पता है, तो इसलिए जीरो से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो जीरो से इन्फिनाइट इक्वल माइनस पी टी एफ टी डी टी, अब कोई डाउट, इसी को हम लोग बोलते हैं लाप्लास। आई थिंक लाप्लास समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाप्लास के यूज से हम लोग कहाँ करेंगे, इंटरगल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने में, ठीक है। एक इंटरगल इक्वेशन होती है उसको भी सॉल्व करने में लाप्लास यूज़ कर सकते हो, एक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन उसको भी सॉल्व करने में हम लोग लाप्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस बाद में सीखेंगे हम लोग, और डिसएडवांटेजेस बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत काम सीख लें, नहीं बोरियत फील होगी, पूरी थ्योरी थ्योरी पढ़ के ना, थोड़ा बहुत काम सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया डाउट, नोट करना चाहते हो, नोट कर। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि आपके सामने कोई कॉन्स्टेंट के साथ दो फंक्शन हमारे ऐसे लिखे हुए, मान लो एफ वन टी, और हमारे पास सी वन ऐसे मान लो, और प्लस सी टू एफ टू टी। ये मेरे पास कोई टाइम डोमेन के फंक्शन है एफ वन एफ टू, और ये मेरे पास कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जिसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब लाप्लास कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं फंक्शन, ये मेरा पूरा फंक्शन हो गया, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जीरो से इन्फिनिटी, राइट, क्या होता है ए की पावर माइनस पी टी, और फंक्शन की वैल्यू पूरी है मेरे पास, तो ये पूरा रख दोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सी वन, टेल मी, सी वन एफ वन टी और प्लस सी टू एफ टू टी, राइट, ये हो जाएगा डी टी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नहीं है। अब हम लोग इसको अगर अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो इन्फिनिटी ए पावर माइनस पी टी, और ये सी वन, भाई इंटरगल को अलग अलग कर सकते हैं, इसकी तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो सी वन एफ वन टी डी टी और प्लस जीरो इन्फिनिटी ए पावर माइनस पी टी, तो ये हो जाएगा सी टू एफ टू टी डी टी, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सी वन हम लोग इधर कर लेंगे, तो हो जाएगा सी वन जीरो से इन्फिनिटी एक पावर माइनस पी टी एफ वन टी डी टी, और प्लस ये हो जाएगा मेरे पास जीरो से इन्फिनिटी एक पावर माइनस पी टी, सी टू बार कर लो इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ टू टी डी टी। क्लियर हो गया यहाँ तक, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्चुअली में देखा जाए तो लाप्लास फंक्शन किसका है, ये एफ वन टी का है, राइट,
और ये देखा जाए किसका है, सी टू लाप्लास एफ टू फंक्शन का है। ठीक, हो गया लीनियर प्रॉपर्टी प्रूफ। एक्चुअली में एक थ्योरम था कि अगर ऐसा आ जाए तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा इक्वल नहीं है, यहाँ तक है। तो मेरे पास एक फंक्शन गिवन है जिसका मुझे लाप्लास निकालना है। सिंपल है, हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा इंटरवल चल रहा है जीरो से थ्री गया और थ्री से इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से थ्री गया और थ्री से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर टी अप्रोच कर रहा है मेरा। क्लियर हो, नहीं हो गया? तो मेरा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ज़रा बताओ, जीरो से इन्फिनिटी बाई लाप्लास एफ टी, मेरा क्या होता है फार्मूला, उसी हम लोग लगाएंगे, जीरो से इन्फिनिटी एक पावर माइनस पी टी और क्या होता है एफ टी डी टी, राइट। अब ये जो इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी वो कितने ब्रेक में हो रहा है, जीरो से। देखो मेरा जो इंटरवल है वो जीरो से स्टार्ट है और इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना, फैला हुआ है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि जीरो से थ्री जाओ आप और फिर थ्री से इन्फिनिटी जाओ, है ना। तो प्रॉपर्टी लगा दें इंटरगल की, इंटरगल की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इंटर में कि अगर ऐसा होता है तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए से सी वन एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी वन से बी एफ एक्स डी एक्स। पढ़ी नहीं पढ़ी प्रॉपर्टी है, इंटरगल प्रॉपर्टी, राइट। तो इसको यूज़ कर लो, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा जीरो से थ्री ई पावर माइनस पी टी एंड एफ टी डी टी, राइट। ये तो होगा और फिर प्लस थ्री से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी भाई, जीरो से थ्री गया और फिर थ्री से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, जीरो थ्री से इन्फिनिटी। फिर हो जाएगा एक पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बताया था, कोई डाउट नहीं है? अब देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फिर समझिए। जीरो से थ्री इंटरवल के लिए मेरा एफ टी मेरा कितना है, जीरो से थ्री इंटरवल के लिए मेरा एफ टी कितना है, फाइव। तो यहाँ तो हो जाएगा फाइव, कॉन्स्टेंट बाहर कर लो, तो ऐसा लिख दो यहाँ पर ई पावर माइनस पी टी डी टी प्लस, और थ्री से इन्फिनिटी के लिए मेरा कितना है, जीरो है, तो हो गया वैल्यू जीरो। कोई डाउट है क्या? अब देखो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, इसका इंटीग्रेट बोलो, एक पावर एक्स का क्या होता है, एक पावर एक्स ही होता है, कॉन्स्टेंट है, तो अपॉन में लिख दो, तो क्या हो जाएगा एक पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और लिमिट क्या लग जाएगी, जीरो से थ्री। अब क्या लिखेंगे हम लोग, फाइव, पहले थ्री रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक पावर माइनस थ्री टी थ्री पी, राइट, एक पावर माइनस थ्री पी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हुआ था ना ये, और अपॉन क्या चला मेरा माइनस पी, तो इसको बाहर कर लो, और माइनस फिर जीरो रखो तो क्या हो जाएगा, वन, एक पावर जीरो मतलब क्या होता है, वन। चौथ ये आंसर रहने दो, या फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका हो जाएगा ये फाइव बाई पी, ठीक है, वन माइनस ई की पावर माइनस थ्री पी। हो गया आंसर, और कोई डाउट हो बताओ, क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नोट करना है क्या, नोट नहीं करना, ठीक है। अभी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी पढ़ाने हैं, ठीक है, उसको पढ़ाने के बाद फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन इसके और सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेंटली तरीके से पूरा स्ट्रांग हो जाए कि नहीं अब कर पाएंगे हम लोग, है ना। और बोलो एक दो। अब देखो मेरा इंटरवल कैसे बना हुआ है, पहले कहाँ गया, पहले जीरो से कहाँ गया, वन बाई टू गया, फिर वन बाई टू से कहाँ जा रहा है, वन जा रहा है, फिर वन से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, तो वन से जा रहा है इन्फिनिटी। इंटरवल समझ में नहीं आया, पहले जीरो से वन जा रहा है, जीरो से वन बाई टू के लिए कितना है, जीरो से वन बाई टू के लिए मेरे पास टी है, फिर वन बाई टू से वन के लिए कितना है, टी माइनस वन है, फिर वन से लेकर इन्फिनिटी के लिए कितना है, जीरो। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेरा लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी एक पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, राइट। इसको देख लो, जीरो से इन्फिनिटी एक पावर माइनस पी टी, अब मैंने इसको ब्रेक करना है, स्टार्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, वन बाई टू ए पावर माइनस पी टी एफ टी, बाद में रखूँगा, ठीक है, अभी पहले लिख लेता हूँ, और प्लस फिर वन बाई टू से कहाँ जा रहा है, वन ए पावर माइनस पी टी एफ टी, ठीक है, डी टी, एंड प्लस फिर कहाँ से जा रहा है, वन से लेकर इन्फिनाइट तक ए पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यहाँ तक समझ में आ गई? अब मुझे फंक्शन चॉइस करने है अकॉर्डिंग टू इंटरवल, तो क्या हो जाएगा, जीरो से वन बाई टू के लिए मेरे पास वैल्यू कितनी है, टी है, तो एफ टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टी, ये हो गया इंटू टी।
डी टी प्लस वन बाई टू, यहाँ पे वन e पावर माइनस पी टी। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, टी माइनस वन डी टी प्लस वन से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, जीरो। तो ये टर्न तो हो जाएगा जीरो, कोई मतलब है नहीं, राइट। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, क्या होगा भाई, फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सॉल्व करना आता है ना सभी को, तो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, ठीक है, इसमें लग जाएगा जीरो से वन बाई टू, और माइनस अब क्या हो जाएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर, राइट, और ई की पावर माइनस पी टी, और ये हो जाएगा जीरो से वन बाई टू। ये समझ क्या, फर्स्ट सेकेंड सॉल्व करो, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्लस, अब इसमें देखते हैं क्या होगा, इसको भी फर्स्ट सेकेंड इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टी माइनस वन ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, ठीक है, और वन बाई टू से वन। फॉर्मूला याद है ना सभी को कि नहीं याद है, उसी में रखते चलो साथ साथ, वो करते भी चलो, और माइनस का वन अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, और ई पावर माइनस पी टी, और लिमिट क्या है मेरे, वन बाई टू से वन। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना, चलो इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा, तो पहले हम लोग रखते हैं वन बाई टू, तो वन बाई टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, वन बाई टू, ठीक है, ई की पावर माइनस पी बाई टू, और अपॉन माइनस क्या है, पी है, तो माइनस पी कर लो, ठीक है। अब जीरो अप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो टी में जब जीरो रखोगे तो पूरी वैल्यू ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब इधर देखो माइनस, अब वन बाई टू रखूँगा तो क्या आएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर, और ई की पावर माइनस वन बाई टू पी, राइट। अब जीरो अप्लाई करूँगा तो जीरो तो होगा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर, कोई डाउट है, क्लियर हो गया, चलो इसको देख लेते हैं। अब वन अप्लाई करना है, जब वन अप्लाई करेंगे तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब वन बाई वन अप्लाई करोगे टी, मतलब वन माइनस वन मतलब जीरो। अब मैं वन बाई टू केवल अप्लाई करूँगा, वन बाई टू माइनस वन, यानी क्या आएगा, तो ऑलरेडी देखो माइनस लगेगा बीच में, ठीक है ना, थोड़ा समझना, मैंने ये टर्म अप्लाई किया जीरो हो गया ऐसा, ठीक है, सॉरी प्लस लगा तो प्लस लगाओ। अब मैं वन बाई टू रख रहा हूँ तो माइनस ऑलरेडी लगा, नहीं लगा, लगा, और जब इसमें रख रहा हूँ वन बाई टू, तो वन बाई टू में वन गया यानी माइनस वन बाई टू, और माइनस वन माइनस पी है ना, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी वन अपॉन टू पी हो गया, राइट। अब ई की पावर समझना है, ई की पावर माइनस वन बाई टू पी, ये हो गया, फिर गया मेरे पास माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर। अब इसमें पहले वन अप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, ई की पावर माइनस पी, एंड वन बाई टू अप्लाई करेंगे फिर से तो क्या आ जाएगा, चलो माइनस माइनस प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर, और ई की पावर माइनस पी बाई टू, कोई डाउट हो बताओ, यहाँ तक डाउट है, चलो और समझते हैं इसको। वन माइनस वन बाई टू ई की पावर, सॉरी पी लगा दो, ई पावर माइनस पी बाई टू, और माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर ई पावर माइनस वन बाई टू पी, तो हो जाएगा प्लस का वन अपॉन पी स्क्वायर, और ये माइनस का वन अपॉन टू पी ई पावर माइनस वन बाई टू पी, एंड माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर, जो भी कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल कर लेना, ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा लिख लेना, होने वाला है कुछ कैंसिल, ठीक है ना, ठीक है। और देखो ये टू पी, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ऐड हो जाएगा फिर तो, ठीक है, तो हाफ ऑफ वन यानी कि माइनस वन बाई पी ई पावर माइनस पी बाई टू, प्लस का वन अपॉन पी स्क्वायर, और माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर ई पावर माइनस पी, ठीक है, चाहो तो कॉमन ले लो, चाहो तो ये आंसर रहने दो, चाहो तो आगे सॉल्व कर लो, चाहो तो ये रहने दो, कोई डाउट हो तो बताओ, समझ आ गई ना, नोट करना चाहते हो नोट कर लो।
एक बार एक दो क्वेश्चन अपने आप से लगा लो, ठीक है, नोट कर लो। ये कह रहा है कि अगर फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, मुझे चेक करना है कि कोई फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मेरे पास पहला केस ये दिया गया है, दूसरा ये लिमिट एग्जिस्ट का मतलब समझते हो? पहली बात तो तुम लोग लिमिट एग्जिस्ट का मतलब समझते हो कि तो फाइनाइट लिमिट आए, या फिर लिमिट एग्जिस्ट तब बोलते हैं जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसको लिमिट एग्जिस्ट वर्ड बोलते हैं, राइट। अब लिमिट एग्जिस्ट कब होता है मैं आपको अगर ये समझाऊँ, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स है, ठीक है, और आप यहाँ पे मान लो आप खड़े हैं भाई, एक रियल लाइन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रियल लाइन की बात हो रही है, बस समझना, ठीक है। रियल लाइन में लिमिट एग्जिस्ट तभी होती है जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है और आप यहाँ अप्रोच करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अप्रोच, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये कहाँ है, इसके बाद है, तो मतलब x माइनस एच है, है ना। तो अगर ये पॉइंट अप्रोच करना चाहता है किधर, x की ओर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, h धीरे धीरे टेंस करेगा किधर, जीरो की ओर टेंस करेगा, नहीं करेगा। अगर ये वैल्यू ये होना चाहती है, मतलब h क्या करना चाहिए, टेंस करना चाहिए जीरो की ओर, टेंस करना चाहिए, राइट। तो अगर ये जीरो की ओर टेंस करता है तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बोलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होता है लिमिट h अप्रोच टू जीरो। अगर ये हम बात करें एट x इक्वल टू a की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस h। प्रॉब्लम क्या है, तो हो जाएगा फंक्शन f a माइनस h। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि h धीरे धीरे जीरो की ओर अप्रोच करेगा। इसको मतलब समझो, पहले x इक्वल टू जीरो नहीं है, ये क्या कह रहा है कि x जो मेरा h जो है वो धीरे धीरे जीरो की ओर क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ठीक है। अब ये देखो h अगर धीरे धीरे जीरो की ओर अप्रोच करेगा तभी तो वैल्यू एक इक्वल होगी जाके, तभी इस पॉइंट में पहुँचेगा, बात समझे नहीं समझे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम इस पॉइंट में पहुंच सकते हैं तब जब ये एच मेरा अप्रोच करेगा धीरे धीरे जीरो की ओर, तब ये एफ एक इक्वल होगा, क्लियर हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कहती है। राइट हैंड साइड लिमिट मेरे क्या कहती है, राइट हैंड साइड लिमिट मेरी ये कहती है कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये पॉइंट वही रहेगा, पॉइंट नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए अब यहाँ खड़े हैं भाई, इस पॉइंट से दो रास्ते से आ सकते हैं ना, एक इधर से आ सकते हैं, एक इधर से आ सकते हैं। अब मान लो आप यहाँ खड़े हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं, तो अब x के पहले है ना, तो मतलब a प्लस एच हो गया पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट यहाँ आना चाहता तो फिर मैं धीरे धीरे एच को क्या कराऊंगा, जीरो की ओर अप्रोच कराऊंगा ताकि एच हो जाए जीरो, तो ये पॉइंट ए में पहुँच जाए, है ना। तो एच क्या करेगा, धीरे धीरे अप्रोच करेगा किधर की ओर, जीरो की ओर अप्रोच करेगा। एच भी मेरा फिर धीरे धीरे जीरो की ओर अप्रोच करेगा, जिससे ये वैल्यू टेंस कर जाएगी किधर, ए में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, इस बार मेरा फंक्शन ए प्लस एच होगा, उसमें h जो होगा जीरो की ओर अप्रोच करेगा, जिससे मेरी वैल्यू जो आएगी, अगर ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल होती हैं, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है राइट हैंड साइड के, मैं बोलता हूँ लिमिट एग्जिस्ट होना, क्या बोलता हूँ, लिमिट एग्जिस्ट हो गई, देन वी कैन से दैट कि लिमिट मेरी क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। बात समझ में आया कि नहीं आया। लिमिट एग्जिस्टेंस ऐसे ही चेक करते हैं, नॉर्मल सी फैक्ट है जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। और यहाँ पे तो नॉर्मली हमें चेक करना है टी टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, तब हमें चेक करना है और आराम से बताना है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताना जीरो, और e की पावर इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, क्लियर हो नहीं हो गया। अब हम लोग ये सिंपल फैक्ट्स हैं जो इस्तेमाल करेंगे, अपने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरा, और अगर इसको कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना सभी को कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, ठीक है। अगर मेरी लिमिट क्या कर रही है, बोल रहा है कि इफ़ लिमिट मेरी क्या करती है, इसकी लिमिट इस फंक्शन में एफ टी जो भी मेरा फंक्शन होगा, जैसे मान लो टी स्क्वायर का या फिर कोई फंक्शन हमारा होता है, ठीक है, और मैं इसमें रखता हूँ और इसमें रखने के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि लिमिट निकालता हूँ, और लिमिट निकालने के बाद अगर वो क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है, किसी भी, ऐसा नहीं कि एफ के अल्फ़ा के सभी मान के लिए एग्जिस्ट हो, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं अल्फ़ा के सभी मान के लिए नहीं, लेकिन अल्फ़ा के कम से कम एक दो मान के लिए वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। फॉर ऑल नहीं लगाए, फॉर सम वैल्यूज ऑफ अल्फा लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा के कुछ मान के लिए होना चाहिए एग्जिस्ट, है ना, सभी मान की जरूरत नहीं है। देन वी कैन से दैट कि देन फंक्शन एफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, तब हम कह सकते हैं कि जो मेरा फंक्शन एफ टी होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हमने लिमिट निकाला उसका और उसकी लिमिट इन्फिनाइट आ रही है, वो भी एक, मतलब एक अल्फा के लिए नहीं, मान लो एक दो अल्फा के लिए इन्फिनिट आ रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला, फॉर ऑल तो बोला नहीं मैंने, मैंने सम बोला, इसका मतलब एक दो अल्फा के लिए आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अदर अल्फा के लिए अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब एग्जिस्ट हो रहा है, किसी एक दो अल्फा में भी वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, तो मतलब उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा।
लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं सभी अल्फा चेक करूं, मतलब सारे वैल्यू अल्फा की वैल्यू रखता चला जाऊं, लेकिन सभी वैल्यू अल्फा के रखने के पर मुझे केवल और केवल लिमिट क्या मिले, इन्फिनाइट मिले, इस वाले केस में हम लोग क्या कहेंगे कि एफ टी इज नॉट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। नहीं समझ में आया क्या? डेफिनेशन समझ में आएंगे, डेफिनेशन आया तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसका है कि नहीं है तुम्हारे यहाँ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसका भी यही बोल रहा है, सो दैट टी स्क्वायर इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3। फॉर्मूला याद रखना, इक्वा माइनस अल्फा टी एफ टी, ठीक है, ये एग्जिस्ट होना चाहिए। लिमिट क्या था? टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या है, एफ टी इक्वल टू मेरा दिया गया है क्वेश्चन टी स्क्वायर दिया गया, इसको समझ लो। एफ टी इक्वल टू क्या मिला मुझे? टी स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल चेक करने के लिए मेरा क्या था? लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, और क्या था? ए की पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे क्या था? एफ टी, ये तो था। चलो अप्लाई करो, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, ए की पावर माइनस पी टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एफ टी की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। अगर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू जीरो क्रॉस इन्फिनिटी दे रहा है, दे रहे हैं दे रहा है, जो कि मेरा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर बनाना है, अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे जीरो बाई जीरो फॉर्म बनाना पड़ेगा या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन दोनों फॉर्म में से एक होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखना, लिमिट कि अगर ऐसा है, ठीक है ना, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कोई बात नहीं, जो भी हो फंक्शन, अगर ऐसा है तो बोलता है कि इसको क्या करो, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर का अलग करो, तो ऐसा हो जाता है एफ डैश टी एंड अपॉन जी डैश टी, इसी को ये लॉ बोलते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसी रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर बोलो जरा एक बार, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, टू टी, और इसका डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, पी की पावर पी टी। अगर अब भी अप्लाई करो तो क्या आ रहा है, पी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, फिर बन रहा है, तो फिर इसका डिफरेंशिएट कर दो जाके, बोलो क्या हो जाएगा, टू अपान पी स्क्वायर ए की पावर पी टी। क्लियर नहीं हो रहा है? अब हो गया। अगर अब अप्लाई करके देखो क्या है, जीरो आ रहा है ना, क्या आ रहा है, जीरो वैल्यू आ रही है, ये सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसका शो करना है कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर थ्री हो सकता है, मतलब यहाँ पे पी की वैल्यू क्या थ्री तक एडजस्ट करा सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि थ्री से बड़ा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, अभी नेगेटिव तो अप्रोच तो करेगा नहीं, ये पॉजिटिव में जाएगा रहा है, क्योंकि जीरो आए नहीं आया। तो अगर हम बात करेंगे ई की पावर थ्री टी की बात करेंगे तो ये हो सकता, नहीं हो सकता पॉसिबल, हो सकता है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग, थ्री, अल्फा वैल्यू अगर हम लोग थ्री ले सकते हैं तो यहाँ पे इसका ऑर्डर थ्री नहीं हो सकता, हो सकता है, तो ये प्रूफ हो गया आपका। कोई डाउट हो बताओ, सबको समझ में नहीं आया? हम लोग यहाँ पे थ्री प्रूफ करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो जीरो आ गया था मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो गया था, और फॉर ऑल, ये भी नहीं कि एक दो वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी, यानी पी के जितने भी मान है सभी के लिए सॉल्व हुआ है ना, पी का मान जो भी होगा, लेकिन पी जो होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मान लो पी मेरा निगेटिव हो जाए, तो अगर मेरा पी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, हम उस बोले कि नेगेटिव के लिए अगर पी आप नेगेटिव रख के देखो एक बार, तो ई की पावर ऊपर चला जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो नेगेटिव के लिए तो मेरा ये एग्जिस्ट नहीं होगा, तो किसके लिए एग्जिस्ट होगा, केवल और केवल पॉजिटिव के लिए, कि पी मेरा जितना पॉजिटिव होगा, रखे थे आप रखते हुए चले जाओ देख लो, तो जितना पी पॉजिटिव होगा उसी में मेरा ये क्या आएगा, एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा। तो अगर हम थ्री ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव नहीं है क्या, है, तो क्या इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर थ्री नहीं हो सकता है, हो सकता है, बात समझे नहीं समझे, इस तरह हर एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो तो इसका सेवन नंबर तो सेम है, सेवन नंबर अपने आप से लगाओ, ठीक है, ये देख लो, एक आठवां नंबर है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें इज नॉट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर दिखाना है ना, मतलब ऑर्डर नहीं है दिखाना, एक तो है देखा, एक नहीं है देख लो, ताकि कन्फर्म हो जाए कि नहीं वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, नोट तो नहीं करना किसी को, समझ में आ गई ना।
अब ये सोच रहे होगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, राइट? कराएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको अप्लाई करके भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल पहले तो लाप्लास को सीखो सेटिंग से, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में लोग सॉल्व भी करके देख लेंगे, है कि नहीं है? तो क्या होगा यहाँ पर, फंक्शन मेरा दिया गया है एफ टी इक्वल टू ए की पावर टी स्क्वायर, राइट, इज नॉट एक्स, वो तो मुझे प्रूव करना है, और एज बोल रहा है टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। चेक करके देखते हैं मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, फिर क्या होता है ए की पावर माइनस पी टी और एफ टी, राइट, ये होता है एफ टी मेरा एक पावर टी स्क्वायर है, चलो अप्लाई कर लो। तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ए की पावर माइनस पी टी, ठीक है, और एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ए की पावर टी स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा ए की पावर टी स्क्वायर माइनस पी टी, इसमें ले लो टी कॉमन, तो हो जाएगा टी माइनस पी, राइट। अब मेरा पी मेरा कुछ भी रखो, पी मेरा कुछ भी रखो, मतलब माइनस थ्री टू जीरो प्लस वन कुछ भी रखो, आप रख के फील करो क्या ये मेरा कभी भी इन्फिनिटी के अलावा कोई दूसरी वैल्यू दे सकता है, रख के देखो एक बार पी, कुछ भी रखो क्या इन्फिनिटी के अलावा कोई दूसरी वैल्यू दे सकता है ये, फिर ट्राई करके देख लो, जीरो रख के देख लो एक बार तो भी इन्फिनिटी दे रहा है, माइनस वन रख के देखो तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा तो भी इन्फिनिटी देगा, नहीं देगा, देगा। प्लस टू रख के देखो एक बार तो भी मेरा क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, मतलब मैं पी की वैल्यू कुछ भी ट्राई करूँ वैल्यू क्या दे रहा है, ये इन्फिनिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी पर ये मेरा क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। तो इस केस में मैंने क्या बोला था, अगर एक भी पी ढूंढ लेते हो जिसमें इन्फिनिटी ना दे तो मेरा इसमें सरल ऑर्डर होगा। यहाँ पे मैंने सभी पी देखे, सभी पी पर ये मेरा इन्फिनिटी दे रहा है, इसका मतलब मैंने क्या बोला था, है ना, इज नॉट एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, मतलब इसका कोई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं होगा। अभी बात समझ में नहीं है क्या, आ गई ना कन्फर्म तरीके से? ये इतने फार्मूले हैं जिनका आपको याद कर लोगे तो सिंपल तरीके से लगेंगे। लाप्लास वन का, वन का लाप्लास क्या होता है, वन अपान पी होता है। टी पावर एन का लाप्लास क्या होता है, गामा एन प्लस वन अपान पी पावर एन प्लस वन। याद रखो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कंडीशन, जैसे पी गेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इसी के लिए केवल ये फॉर्मूला हो सकता है, बाकी अगर पी इससे कुछ भी अदर हुआ तो फॉर्मूला नहीं होगा। बात समझ नहीं समझे, ये केवल और केवल किसके लिए है, पी गेटर आर इक्वल टू जीरो के लिए, ये किसके लिए, पी गेटर देन जीरो के लिए, और एन मेरा माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने इसलिए कंडीशन भी लिख दिया ताकि इनके अलावा कोई और इसमें वैल्यूज ना आ जाए। समझ में आ रही, नहीं बातें आ रही हैं, ठीक है, एक चीज़ और, ये डोमेन्स होती हैं, क्या होती हैं, डोमेन्स होती हैं, और डोमेन मेरा यही होना चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर प्रूफ करना चाहते हो आराम से प्रूफ कर सकते हो, मान लो लाप्लास वन को आप प्रूफ करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी, राइट, और फंक्शन मेरा एफ टी क्या है, मेरा वन हो गया, और ये मेरा हो गया डी टी। समझ आया कि नहीं बेटा, अब इसको अगर करेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी e पावर माइनस पी टी और ये डी टी हो गया, इसका करेंगे तो आ जाएगा e की पावर यानी माइनस वन बाई पी बार कर लो, ये हो गया माइनस पी टी, ये जीरो से इन्फिनिटी हो गया। अप्लाई कर लो बेटा इसको, जीरो और जीरो अप्लाई करोगे माइनस वन, राइट, माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस, यानी वन अपान पी। फॉर्मूला एक नहीं आया, जहाँ पे पी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा तो भी मेरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, और या फिर मेरा माइनस में होगा तो माइनस होना नहीं चाहिए क्योंकि पी वैसे भी ग्रेटर देन जीरो था। याद ही नहीं याद है, इस केस के लिए देखो ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ में आ नहीं आ गया, ओके रब कर दूँ। तो जैसे मैंने इसको प्रूव किया है कि टी की पावर एन नहीं प्रूव कर पाओगे, कर लोगे, टी भी प्रूव कर लोगे, ई की पावर एटी, ये तो सबसे ईजी है प्रूफ में, है ना, सबसे ईजी तो तुम्हें यही प्रूफ लगेगा, तो उसके बाद नहीं हो पाएगा, हो जाएगा भाई, दिक्कत क्या है, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, यहाँ आ जाएगा कॉस ए टी डी टी। हम लोग इसका फॉर्मूला ही जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर, याद हो तो ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, तो ये होता है ए की पावर ए एक्स अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ होता है ए कॉस बी एक्स और प्लस बी साइन बी एक्स, राइट, बी साइन बी एक्स, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है,
याद नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसका यूज करते हैं हम लोग, है ना, सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स, ए के वैल्यू मेरे पास कितना है माइनस, यानी माइनस पी, और एक्स के वैल्यू मेरे पास कितना है टी, कोई डाउट हो बताओ, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही क्या, आ रही ना, फिर क्या है ए, ए मतलब कितना मेरे पास माइनस पी कॉस, बी की वैल्यू मेरे पास ए मतलब ए टी, डाउट, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ए है और साइन बी एक्स मतलब मेरे पास क्या है ए टी, और लिमिट क्या है मेरे पास, लिमिट है जीरो से लेकर इन्फिनिटी, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है। तो ये हो जाएगा, पहले इन्फिनिटी रखोगे तो एक पावर इन्फिनिटी मतलब होता है जीरो, मतलब ये तो पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो, बस मुझे जीरो वाले में रखना है। एक पावर जीरो मतलब क्या होता है वन, तो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस लगा लो, माइनस तो लगा लो ना। अब क्या होता है, जीरो रखोगे, क्या रखोगे जीरो, तो कॉस जीरो मतलब कितना होता है वन, यानी माइनस का पी बचेगा इधर, माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस का, और साइन जीरो मतलब जीरो होता है। तो देखो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला है इसका, अब तो इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है, अभी भी नहीं लगा, लग रहा है ना, अब तो लग रहा होगा वी कैन डू इट, सिंपल है। अगर साइन एटी का रख दूंगा तो साइन एटी वाले के फॉर्मूला लगा दूंगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस, बाकी सेम रहेगा, कोई दिक्कत तो बताओ। तो साइन वाले में आ जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस ये कॉस है तो ये वाला आ जाएगा, तो फिर इसका तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर, अच्छा कॉस हाइपरबोलिक में क्या करेंगे हम लोग, देखो कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक एटी, ई की पावर क्या है माइनस एटी, ई की पावर एटी और प्लस ई की पावर माइनस एटी अब बाई टू, इस फॉर्मूले से लगाओगे आप, कर लोगे नहीं कर लोगे, है ना, ये रख के और फिर आपका फॉर्मूला होता है जीरो से इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस पी टी, और कॉस इसके जगह पी रख दोगे, ई की पावर एटी और प्लस ई की पावर माइनस एटी अपॉन टू, अब तो सबसे सरल हो गया है, तो है ना, अप्लाई कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी लग जाएगा। सिमिलर इसको लगा लो और इसको लगा लो, कोई दिक्कत हो सभी फॉर्मूले में बताओ, याद हो जाएंगे। एक बार देख लो, वन का लाप्लास क्या होता है वन अपॉन पी, पी की पावर एन का क्या होता है गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, ये भी बोल सकते हो। टी का क्या होता है वन अपॉन पी स्क्वायर होता है, एक पावर एटी क्या होता है वन अपॉन पी माइनस ए होता है, कॉस एटी क्या होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद रखो कॉस में ऊपर पी आता है तो साइन में ऊपर ए आता है, बस इतना अंतर होता है, हाइपरबोलिक वाले में बस माइनस आ जाता है, इतना अंतर होता है, बाकी सेम उसी तरह प्रोसेस होता है, याद हो जाए नहीं याद हो जाएगा। तो कॉस एटी मतलब क्या होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन एटी मतलब क्या होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस हाइपरबोलिटी का मतलब क्या होता है पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस इसमें माइनस लगा देना, ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक एटिंग मतलब क्या होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई डाउट है, याद हो जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन करोगे अब ज़्यादा इजी लगेगा, अभी जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला था, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था ज़रा बोलो, जो भी मैंने क्वेश्चन बोला था वो क्वेश्चन क्या था बोलो, एफ टी इक्वल टू थ्री टी प्लस फाइव। अब इसका अगर मुझे लाप्लास करना होगा, देखना कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लाप्लास तो जाएगा थ्री, लाप्लास थ्री तो कांस्टेंट है, बाई लीनियर प्रॉपर्टीज को अलग कर लो, बाई लीनियर प्रॉपर्टीज को अलग करो, तो ये थ्री लाप्लास टी और प्लस फाइव बार करोगे तो लाप्लास वन का, ठीक है, बाई लीनियर प्रॉपर्टी लिख दे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत यहाँ तक। थ्री टी का क्या होता है वन बाई पी स्क्वायर, तो वन बाई पी स्क्वायर हुआ, और प्लस फाइव इसका क्या होता है वन अपान पी होता है, अब ये वन अपान पी ले लो कॉमन, ठीक है, पी स्क्वायर ले लो तो हो जाएगा थ्री प्लस फाइव पी। अब तो ये लग रहा है नहीं लग रहा है, एक दो क्वेश्चन और बोल दो बता दें, इतने क्वेश्चन में पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आई थिंक, ठीक है। चलो ए की पावर, मैं आपको एक बार फॉर्मूले फिर से रिपीट करा दूं, लाप्लास ए की पावर ए टी क्या होता है वन अपॉन पी माइनस ए फॉर ऑल इफ पी इज ग्रेटर देन ए, राइट, ये फॉर्मूला होता है। फिर लाप्लास साइन ए टी का जो कि होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास कॉस ए टी का
जो कि होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ठीक है टी की पावर एन का क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस वन। अब तो आसान हो गया है ना। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया तो लाप्लास, पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं, चलो इधर देखते हैं। इसका लाप्लास लगा दो तो बहुत सारे लाप्लास ऐसे लग जाएगा टू, तो लाप्लास लग जाएगा ऐसे माइनस लाप्लास, कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग e की पावर क्या होता है ए टी इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन पी माइनस ए, तो हो जाएगा टू अपॉन पी माइनस थ्री और माइनस वन अपॉन पी प्लस थ्री। कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं समझ में क्या नहीं आई? देखो क्या है ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास थ्री, तो ए की वैल्यू बस यहाँ पे रख दो क्या है वन अपॉन पी माइनस ए, तो ए की वैल्यू अगर मेरे पास थ्री है तो क्या रख देंगे थ्री रख देंगे। इसमें मेरी क्या आ गई ना, और इसमें माइनस था तो माइनस में प्लस हो जाएगा, क्या डाउट है। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो हो जाएगा टू पी और प्लस सिक्स, टू पी प्लस सिक्स और माइनस यहाँ से रखोगे तो पी और प्लस थ्री अपॉन पी स्क्वायर माइनस नाइन, राइट। ये हो जाएगा मेरे पास पी और प्लस नाइन अपॉन पी स्क्वायर माइनस नाइन। आंसर समझ में आ रही है? अब तो आ गया। इसका देखते हैं हम लोग, तो 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25 और लाप्लास डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ बेटा, ठीक है लाप्लास एफ टी सेकेंड वाले का, कोई डाउट हो बताना, फार्मूला तुम्हारे सामने पुट कर है ना। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 25 और प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, क्लियर है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, रहने दो इतने रहने दो, क्या सॉल्व करना है इसमें, ठीक है चाहो तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहो तो ऐसे कर लेना। तो कितना हो जाएगा 5 पी स्क्वायर बोलो और प्लस पी क्यूब ओके और प्लस 25 पी स्क्वायर और आगे सॉरी 25 पी और हो गया अपॉन पी स्क्वायर 25 अब पी स्क्वायर प्लस 9। चौथी आंसर लिख दो, चौथी लिख दो, दोनों ही सही है। अब देखो इसका डायरेक्टली लाप्लास नहीं ले सकते हम लोग, हाँ इसको क्या करेंगे कौन सा फॉर्मूला, हाँ ई कॉस 40 का फार्मूला है, अच्छा कॉस 40 इसको मैं लिख सकता हूँ टू बाहर कर लो और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 40 ऐसा हो जाएगा है ना। क्यों हम लोग फार्मूला जानते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, राइट इस फॉर्मूले से लेसन में क्या इसको रख लिया हमने। अब इसका लाप्लास देखो तो लीनियर प्रॉपर्टी भी साथ लगा के डायरेक्टली हम लोग लाप्लास अगर इसका देखें तो इसका लाप्लास क्या आएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या बन जाएगा ज़रा बताओ सिंपल तरीके से यूज़ करना आ गया हो तो। टू तो कॉन्स्टेंट से मतलब है नहीं बेटा, वन का लाप्लास क्या होता है वन अपॉन पी और प्लस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 16, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम लोग टू, अब तो इजी लग रहा है ना, पी स्क्वायर प्लस 16 और प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस 16, कोई डाउट हो बताओ बेटा पी स्क्वायर कितना होगा बेटा, टू ले लेंगे कॉमन, अभी भी कोई डाउट, अब तो नहीं है लग गया समझ भी आ गया होगा। चलो इसी बात पे भी कंप्लीट हो गया। अभी इसका देखो फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ओपन कर लो तो एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस प्लस कॉस स्क्वायर टी और माइनस टू साइन टी ठीक है इंटू कॉस टी, लेसन नहीं क्या आ गई ना। सो ये तो वन हो गया, कोई मतलब है नहीं इसका, ये क्या हो गया, तो अगर मैं इसको लिखूँ वन माइनस साइन टू टी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसका लाप्लास की अगर बात किया जाए तो वन अपान पी माइनस टू अपान पी स्क्वायर प्लस 4, राइट पी स्क्वायर और माइनस टू पी और प्लस 4 अपॉन पी पी स्क्वायर प्लस 4, हो गया आंसर।
इसका तो हो गया, चलो इसको भी ख़त्म करो। अब इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन फिर इसमें सारे रूल आ जाएंगे ना एक साथ, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। तो सिंपल तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, 3 × 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, चलो लिख ही देता हूँ, 4 × p^5। अब तो ठीक है, घबराओ नहीं। माइनस यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 × 4 ओके, प्लस 4 × 1 / p + 3 है ना, याद है फॉर्मूले, नहीं याद है, याद है ना, माइनस 10 / p² और प्लस 25 ठीक है, प्लस हाँ अच्छा 3 × p² + 4 ओके। अब आगे कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करें कर लोगे ना, हो गया, मेन यही था आज के लिए, इतना ही ठीक है।